वरिष्ठ कवि बलवीर सिंह करुण का 81वां जन्म दिवस गुरुवार को एक होटल में मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय साहित्य परिषद ने किया। कार्यक्रम में पाठ्यकरण के संपादक कन्हैयालाल चतुर्वेदी तथा पत्रकार प्रदीप शेखावत ने करुण के साहित्य व उनसे जुड़ी रोचक घटनाओं के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि साहित्य ही जीवन को रचनात्मक दिशा देता है। दिल्ली के सूरजमल शिक्षा संस्थान के निदेशक डॉक्टर आरपी सिंह, डॉक्टर मुकेश गुप्त राज ने कवि करुण से जुड़ी बातें शेयर की। शहर विधायक बनवारीलाल सिंगल ने भी कार्यक्रम में शिरकत की और कवि करुण को शुभकामनाएं दी। इस दौरान विभिन्न संस्थाओं द्वारा कवि बलवीर सिंह करुण का सम्मान किया गया। 22वीं गोकुला जो मेरा महाकाव्य है उसका दूसरा संस्करण माननीय एसपी सिंह जी ने अपने संस्थान से महाराज सूरजमल शिक्षण संस्थान दिल्ली से उसको प्रेस में है वो दूसरा संस्करण आप छपवा रहे हैं। कुछ जानकारियां मात्री में दे रहा हूं। मैंने 15 साल पहले एक महाकाव्य अथवा उपन्यास दोनों में सोचा था कि मैं डीक के जोर पर लिखूंगा, उसका वर्णन नहीं करूंगा यहां। बस एक वाक्य जानिए, पूरे हिंदुस्तान में आग में कूद कर जोहर हुए। न भरतपुर वाले जानते थे, न भरतपुर के इतिहासकार जानते थे, न इतिहास संकलन समिति जानती थी जो हमारी एक संस्था। मैंने जब ये शोध करा 113 ग्रंथ पढ़े मैंने हिंदी और अंग्रेजी के, और मैंने ये सिद्ध किया कि तलवार की धार पर जोहर डीग के किले में हुआ था। उसी पर मैं एक बड़ा उपन्यास 300 पृष्ठों का लिख रहा हूँ जिसके 100 पृष्ठ मैंने पूरे कर दिए। मैं सारी यात्राएं कराया हूँ उन किलों की, उन जगहों की, उन टीलों की, सिनसिनी की सारी यात्राएं मैं कर चुका हूँ, दो दो बार फिर करूँगा। क्योंकि आदरणीय एसपी सिंह जी ने कहा वो काम आपने जो निराशा में अधूरा छोड़ दिया, किसी निराशा में वो यहाँ मैं नहीं बताना चाहता, उसको पूरा करिए, हम उसे छापेंगे। वहीं चिन्मय पाराशर और शमी सेतिया ने करुण के गीत प्रस्तुत किए। सर समाया सबके वही वायदे सुने, सबके वही वायदे सुने और साथ में मरना जीना, साथी को तो सुधार कोरे और स्वयं सारा विश्व पीना। इस दौरान वहां मौजूद शहर विधायक बनवारीलाल सिंगल ने कवि करुण के दीर्घायु होने की शुभकामनाएं दी। साथ ही उनके पुत्र कवि विनीत चौहान ने भी अपने पिता बलवीर सिंह करुण द्वारा साहित्यिक क्षेत्र में किए योगदान पर जानकारी दी। अलवर के महान व्यक्तित्व मैं कहता हूं श्रीमान बलवीर सिंह जी करुण साहब का 81वां जन्म दिवस है। शहर के सभी प्रमुख व्यक्तित्व यहाँ उपस्थित है। बलवीर सिंह जी को सबने बहुत मन से भाव से बधाई दी है। बलवीर सिंह जी करुण साहब ने अपने पीछे एक बहुत बड़ी ऐसी श्रृंखला कवियों की, साहित्यकारों की तैयार की है, क्योंकि कुछ लोग तो आते हैं और सृजन करते हैं और समाप्त हो जाता है, लेकिन बलवीर सिंह जी ने अपने ज्ञान को, अपने सृजन को बांटा है और एक बहुत लंबी श्रृंखला तैयार करके उन्होंने अपनी विरासत को लोगों को सौंपने का काम किया है। चाहे उनके पुत्र भाई विनीत के रूप में हो या अन्य उनके जो साथी साहित्यकार और कवि हैं उनके रूप में हो, मैं बहुत बधाई और धन्यवाद देते हुए कि उन्होंने अलवर के लिए जिया है, अलवर को जिया है और इस अलवर को उन्होंने पूरे देश और दुनिया में एक विशेष प्रकार की ख्याति से सम्मानित करवाने का जो काम किया है, इसके लिए जितना उनका हम धन्यवाद करें, जितना उनको बधाई दें, मैं समझता हूँ उतना कम है। मेरी प्रार्थना है प्रभु से, ईश्वर उनको 100 वर्ष से अधिक इसी प्रकार का जीवन प्रदान करें जैसा आज वो जी रहे। पिता श्री बलवीर सिंह जी करुण के 80 वर्ष पूरे हो गए हैं, 81वां जन्मदिन हम उनका यहाँ मना रहे हैं। एसपी सिंह जी हमारे सूरजमल फाउंडेशन के दिल्ली से हमारे बीच अध्यक्षता करने के लिए आए हैं। मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमान कन्हैयालाल चतुर्वेदी जी पाठ्यकरण के संपादक हैं और शेखावत जी जो हमारे आसन पत्रिका से हैं वो भी हमारे बीच विशेष अतिथि के रूप में हैं। इस पूरे कार्यक्रम को करने के पीछे हमारा जो उद्देश्य था, पिताजी को पूरा शहर अलग अलग रूपों में जानता है, कोई उन्हें गुरु के रूप में जानता है, कोई शिक्षक के रूप में जानता है, कोई कवि के रूप में जानता है। मैं चाहता था कि वो सब लोग जो उन्हें बिल्कुल बहुत निकटता से स्नेह करते हैं, ये तो पूरा शहर
उनकी मोहब्बत करता है, लेकिन आज वो बिल्कुल पारिवारिक से सदस्य हैं। ऐसे 200 लोग लगभग 300 लोग हमने एकत्रित किए हैं और भी अनेक लोग आए हैं जो आप सब लोग पत्रकार मित्र कवि मित्र उन्हें स्नेह करते हैं, वो सब यहाँ हैं। आज 2-3 गीतों की प्रस्तुतियाँ हुई हैं। विशेष रूप से हमारे परिवार के लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, मेरठ से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, गाज़ियाबाद से आए हैं, मुजफ्फरनगर से आए हैं, और मैं समझता हूँ पिताजी का ये एक पड़ाव बिंदु मानिएगा। हम सब लोग अभी उनकी ऊर्जा को देखकर ये सोचते हैं, जैसा अभी मुकेश गुप्ताराज ने कहा, न वो थके हैं न वो रुके हैं, वो लगातार साहित्य लिख रहे हैं। इस समय भी एक नया उपन्यास वो लिख रहे हैं, लगभग 23 पुस्तकें उनकी आ चुकी हैं, और आप सब लोगों की दुआएं रही, मैं समझता हूँ एक पुस्तक उनकी और हम अगले वर्ष तक आपको दे सकेंगे। शहर ने जो मोहब्बत उन्हें दी है, हमारे परिवार को दी है, मैं आप सबका बहुत बहुत शुभकामनाएं रखता हूँ। मुंबई से आई कवि करुण की नवासी फिल्म अभिनेत्री आस्था चौधरी ने भी अलवर पहुंचकर कार्यक्रम में शिरकत की और अपने नाना को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। नाना के लास्ट 2-3 सालों के जो भी फंक्शंस हुए मैंने वो सब मिस किए, तो ये वाले बर्थडे के लिए मतलब मेरा 2 दिन पहले तक आना कंफर्म एक्चुअली नहीं था, बिकॉज मेरा नेक्स्ट शो का जो शूट शुरू होने वाला है वहाँ से थोड़ी से इश्यूज थे, पर आई मेड श्योर कि मैं आऊँ क्योंकि मैं ये मिस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ये जो फैमिली गेट टुगेदर है आई डोंट नो ये दोबारा यू नो इतना बड़ा वापस कब मिले। और नाना की जो खास बात जो है ना, 80 के वो खाली नंबर है, उनकी जो एनर्जी है हम लोग मैच नहीं कर सकते, क्योंकि आज जो मैंने उनकी फोटो अपलोड की तो हर किसी का एक ही कमेंट है कि नाना ही लुक सो यंग, बिकॉज ही इज यंग, ही इज एक्चुअली यंग। कार्यक्रम में कमांडो समोद सिंह चरोरा, स्वदेश चरोरा व 3 अन्य लोगों को सम्मानित किया गया। स्वागत भाषण डॉक्टर उमेश सिंह गोदारा ने दिया, संचालन विनीत चौहान द्वारा किया गया। कार्यक्रम में परिषद के प्रदेश संगठन मंत्री विपिन पाठक, डॉक्टर के गुप्ता, लक्ष्मण सिंह चौधरी, प्रदीप आर्य, इंद्र कुमार तोलानी, हरिशंकर गोयल, जगदीश गुप्ता, अनूप सिंह नादान, रमेश अग्रवाल आदि मौजूद रहे।